हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीवास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम इस एक रेसिडेंस के अंदर वास्तु कंसल्टेंसी का एक लाइव टेस्ट आपको देना चाहते हैं कि वास्तु के अंदर जब भी आप देखोगे तो ये समझो कि ड्रॉइंग रूम है, उसके ऊपर ये लॉफ्ट बनी हुई है। ये लॉफ्ट वुडन से उसके शटर बना रखे है, ऊपर आरसीसी की एकदम लॉफ्ट है और उसके नीचे आप देखोगे तो इधर एक मंदिर है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए मंदिर को ढका हुआ है। अब ये लॉफ्ट की वजह से जो मनोवैज्ञानिक स्ट्रेस यानी जो टेंशन रहता है घर के हर सदस्य के जीवन में, तो आज स्कैनर वो चीज आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएगा कि हम यहाँ पे सेंटर में जब हम खड़े रहते हैं तो यहाँ की पॉजिटिविटी एनर्जी कितनी है और हम इस लॉफ्ट के नीचे जाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी कितनी क्रिएट होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव पे सैंपल डाले हुए हैं। स्कैनर से हम कमांड करेंगे इस घर की पॉजिटिविटी एनर्जी स्कैन कीजिए, तो आप देखोगे तो ये 360 पे मूव हो रहा है, यानी यहाँ की जो पॉजिटिविटी है बहुत ही अच्छी है। अब धीरे धीरे हम इस लॉफ्ट के भीतर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हम इस लॉफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए तो एनर्जी बिल्कुल 180 डिग्री हो गई है, यानी 50% हो गई है। बाकी हम यहाँ से लॉफ्ट पे कमांड कहेंगे कि इस क्षेत्र की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, तो देखिए यहाँ पे ये 180 डिग्री यानी 50% हो गई है। और जैसे ही लॉफ्ट के बाहर हम आएंगे तो ये 360 पे वापस यानी 100% पे मूव हो गई है। देख लीजिए वापस, ये पूरा लाइव आप देखना, कहीं आपके घर के अंदर ऐसी लॉफ्ट है और उस लॉफ्ट के नीचे आप अगर अपना पूजा का स्थल रखते हो या अपनी बेड रखते हो या अपना डाइनिंग टेबल हो सकता है, कहीं घरों में ये बहुत बड़ी होती है तो उधर वो सोने की व्यवस्था करते हैं, बीम होता है उसके नीचे वो पलंग रखते हैं बेडरूम के अंदर, तो जिस ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम एनर्जी वाइज कितना डिस्टर्बेंस देखनी है वो दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे क्या घर छोटा होने की वजह से यहाँ पे मंदिर का स्थान है क्योंकि ये ईशान कोण है, तो यहाँ पे अगर भगवान के ऊपर ये चीज जो लॉफ्ट रहेगी तो उससे उनकी पूजा के अंदर जो सकारात्मक एनर्जी एकाग्रता चाहिए वो प्राप्त नहीं, और जो नेगेटिव थॉट जड़े पड़ रहे हैं यानी इंसान की पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। आपको वापस एक बार मैं करके दिखा रहा हूँ, इस क्षेत्र की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए, तो देखिए ये 180 डिग्री यानी 50% ही आ रही है। आपको ये खास दिखाना है कहीं आपके घर के अंदर इस तरह से लॉफ्ट है या कोई भी बीम है कॉलम है उसके नीचे ना अपना बेड रखिए ना कुछ भी रखिए, उसके नीचे डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए, उसके नीचे खाना खाना नहीं चाहिए, उसके नीचे सोना नहीं चाहिए। अगर आपके ऑफिस के अंदर ऐसी कोई लॉफ्ट जा रही है और उसके नीचे आपका वर्किंग टेबल है, कंप्यूटर टेबल है, स्टडी टेबल है, तो समझना कि आपको कितना नेगेटिव थॉट हासिल होगा और कितनी नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी जिससे आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, जॉब में आपको इस तरह से कोई प्लेसमेंट मिल रही है उसके ऊपर से कोई बीम कॉलम जा रहा है और उसके नीचे आपको बैठना पड़ता है, तो आज ये साइंटिफिक स्कैनर के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि जॉब तो आप उस कंपनी के लिए कर रहे हो पर आपकी खुद की मनोवैज्ञानिक स्थिति का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, कितनी असर खराब आ रही है जिससे आपकी हेल्थ वेल्थ और नकारात्मक चीजें आपसे जीवन में बढ़ोतरी होगी। अब फ्रेंड्स, अब हमको ये दिखाना चाहेंगे अगर ऐसी आपके घर के अंदर स्थिति है तो क्या ये लॉफ्ट भी हमें जरूरी है। हम यहाँ पे कुछ अपनी तरफ से इंतजाम कर देंगे कि कुछ हम चीजें हटा देंगे, पर अगर समझो कि स्पेस कम है ऑफिस में, कंपलसरी आपको नीचे बैठना ही है, स्टडी टेबल इधर रखना ही है, आपकी बेड इधर आ रही है, तो उसकी क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं, तो आज हम आपको होम स्ट्रेस रोड रिमूवल रोड, जो घर की जो भी स्ट्रेस है ये रिमूवल रोड अगर उस स्थिति उस जोन में हम रख देंगे तो वहां से नेगेटिविटी को ये खत्म कर देगा और पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये ऐसे निर्मल से बना हुआ है ये होम स्ट्रेस, यानी घर पे आने वाले कोई भी नेगेटिव जो प्रेशर है उसको कम करता है। ऐसी लॉफ्ट होती है, बीम होता है, कॉलम होता है, सीढ़ियों के नीचे अगर बैठने का होता है, कहीं पे भी आपकी सीटिंग आती है, बेड पोजीशन आती है, स्टडी पोजीशन आती है, ईटिंग पोजीशन आती है, कुछ भी आती है, तो यहाँ पे ये होम स्ट्रेस रोड को अगर हम इधर रखेंगे फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या इफेक्ट पड़ती है, ये कितना कारगर है। ये ऐसे ये ब्रास का आता है, इसको फ्लोरिंग के यानी हमारे भूतल के अंदर यानी जमीन के अंदर फिट करना होता है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी हम ऊपर दिखाएंगे। और ये खनिजों से बना हुआ होता है, मिनरल से बना हुआ होता है, इसकी बहुत ही पॉजिटिविटी क्रिएट होती है जिससे ये लॉफ्ट की पूरी नेगेटिविटी एनर्जी सॉल्व हो जाएगी। ये हम आपको पूरा लाइव टेस्ट दिखा रहे हैं, आप देखना। अभी हमने इसको इधर रख दिया है, अब वापिस हम ये टेस्ट करेंगे। पास जाके देख लो,
ये है होम स्ट्रेस रिमूवल बोर्ड। अभी यहां हम पूछेंगे इस क्षेत्र की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो ये देखिए पूरी 360 डिग्री हो रही है। अब हम इस लॉफ्ट के नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन रहा है ये देखिए, यहाँ पे भी ये 360 पूरा हमें क्रिएट हो रहा है। हम वापस यहाँ पे स्कैनिंग करने की कोशिश करेंगे इस क्षेत्र के अंदर कि यहाँ की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। तो ये देखिए 360 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो स्ट्रेस है अब वो सॉल्व हो गई है और ये 360 डिग्री पे मूव हो रहा है, यानी 100% इस एरिया की भी पॉजिटिविटी हो गई। अब हम यहाँ से पूरा स्कैनिंग करते करते हम बाहर की तरफ आएंगे तो देखो क्या यहाँ पे मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा। जो डिग्री हमें प्राप्त हो चुकी है 360 डिग्री, वही चीज हमें यहाँ पे मिल रही है। यानी कहने का भावार्थ ये है, अगर आपके घर के अंदर इस तरह से पोजीशन में कोई भी कंस्ट्रक्शन है जहां से आप अपनी प्लेसमेंट चेंज नहीं कर सकते, उसको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। ये होम स्ट्रेस रोड रिमूवल रोड है, एनर्जी का जो रिमूवल रोड है उसको अगर वहां पे फिट कर देंगे तो 100% आपको बेनिफिट। देखिए फ्रेंड्स, अब इस क्षेत्र के हम वापिस एक एनर्जी ले रहे हैं, इस क्षेत्र की पॉजिटिविटी एनर्जी स्कैन कीजिए। तो ये 360 डिग्री हो गया, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हमने एक होम स्ट्रेस रिमूवल रोड रखा हुआ है जो आप भली भांति देख रहे हैं। अब इस रोड को हम उठाएंगे। सर जी ये रोड ले लेना, जैसे ही ये रोड अपने स्थल से हटेगा तो ये थोड़ा बाहर निकल जाना। अब ये देखना कि यहाँ की ऊर्जा क्या आ रही है। देखिए ये 180 डिग्री वापिस हो रही है। सर जी यहाँ पे एक रोड वापिस रख देना जहां से आपने उठाया था। जैसे वो रोड वापिस रखेंगे तो लॉफ्ट के नीचे होने के बावजूद भी ये पॉजिटिविटी 360 हो गई है। आपको फिर से हम बताने की कोशिश कर रही है, यानी अब ये ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे तो 100% ये क्षेत्र की जो नेगेटिविटी इफेक्ट है वो कम हो जाएगी। ये उत्तरी क्षेत्र है, यानी इनके घर के अंदर धन के आगमन ऑटोमेटिक चालू होंगे। अभी क्या होता है कि वो जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, कमाने के लिए कहीं पे जाते तो वहां पे अवसर कम प्राप्त हो रहे थे। व्हाट्स द रीजन, क्योंकि उनका नॉर्थ ब्लॉक है और पीछे पीछे नॉर्थ ब्लॉक है और दूसरा यहाँ पे नेगेटिविटी का जोन है। जैसे ही हमने ये स्ट्रेस लाइन को रिमूवल किया 100% ये डिग्री आ गई। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे हम ये होम स्ट्रेस रोड को यहाँ पे फिट कर रहे हैं। इस तरह से इसको खड्डा करना है, वो खड्डा 6 इंच जितना होना चाहिए। स्ट्रेस रोड को ये हमारे इस तरह से इधर स्टेबल करना है। अब इसके ऊपर हम सैंड सीमेंट का पूरा प्लास्टरिंग कर देंगे जिससे ये हमारे फ्लोरिंग के अंदर आ जाएगा, यानी दिखेगा भी नहीं।